ना यार ट्रेन ली थी मडगांव से अरनाकुलम की रात की, और मृदेश्वर से 10 मिनट पहले ना मैंने किसी से पूछा कि आसपास कोई और जगह घूमने की, तो किसी ने सजेस्ट किया मृदेश्वर चले जाओ। तो मृदेश्वर आते ना यार पंगा हो गया यार छोटा सा ना। तो मृदेश्वर उतर के ना मतलब सुबह मतलब इतना बुरा हाल हुआ मेरा, बस पूछो मत, एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो अभी मैं ना मृदेश्वर आ गया हूँ, ठीक है, और ये ना सुबह का सनराइज का नज़ारा है मृदेश्वर का, और अभी बजे हुए 7, और ये मुर्देश्वर रेलवे स्टेशन है देखो। तो सीधा जो है ना मेरे को मडगांव से आगे अरनाकुलम जाना था, बट लेकिन किसी ने सजेस्ट किया कि आप मुर्देश्वर रुक जाओ, मुर्देश्वर अच्छी जगह है, शिव का टेम्पल है यहाँ पे बहुत बड़ा। तो अभी ना एक पंगा हो गया, और पंगा ये हुआ कि रात को मुझे लगा यहाँ पे रिटायरिंग रूम है, और मैं डोरमेट्री में या रूम मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे स्टेशन पे। तो मैंने यहाँ पे बात किया तो उन्होंने मना कर दिया, बट मुझे नहीं पता मुझे उन्होंने ऐसा मना क्यों किया, क्योंकि तो मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था ना तो रूम्स अवेलेबल था। तो मेरे को जो है फिर रात को अगर मैं 2 बजे यहाँ पे पहुँचा ना तो इस जगह पे कुछ नहीं था, तो मैं बाहर जाने से तो नई जगह है तो बाहर कहाँ पे जाता, किधर होटल लेता, मैं आपको बता दूँ। तो रात को जो है ना मेरे को तो इधर का जो वेटिंग हॉल है ना, तो रात को मेरे को उधर सोना पड़ा। उसका रीज़न यही था कि इधर जो है ना रिटायरिंग रूम अवेलेबल नहीं है और मैं बाहर नहीं जा पाया। और मैं आपको वेटिंग रूम दिखाता हूँ। और रात को मैं ना इधर नीचे जैसे भाई सोया हुआ है ना ऐसे इस सोया हुआ, तो ऐसे मैं इधर लेटा हुआ था। तो कैसे इधर से करके रात गुजर गई, और पहला एक्सपीरियंस था स्टेशन पे ऐसे सोने का मेरा, बट लेकिन फिर भी मजबूरी था सोना पड़ा। तो आप भी कभी एकदम सडन प्लान बनाओ तो एक बार सोच लो और चीज़ें एक्सप्लोर कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जो है ना सडन प्लान बनते हैं। अभी जाना मेरे को एर्नाकुलम था लेकिन बट मैं मुर्देश्वर आ गया, ठीक है। अभी हम मुर्देश्वर घूमेंगे और आगे जो वीडियो आएगी ना प्रॉपर मुर्देश्वर की आने वाली है, और मैं आपको मुर्देश्वर घूमूंगा और पूरा बताऊंगा मुर्देश्वर के बारे में। और अभी मैं ना स्टेशन के जस्ट बाहर आ गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना ऑटो के जो मंदिर है मेन, तो मंदिर जो भगवान शिव का मंदिर है, तो यहाँ से जो है 2.4 किलोमीटर है, और ऑटो का जो चार्ज है वो 60 रुपये का है। तो सोलो ट्रैवलिंग में ना ये सब चीज़ें फेस करना नॉर्मल बात है। और दूसरा फेस भी इसलिए किया क्योंकि जो है रूट चेंज किया मैंने ना, मैंने अरनाकुलम जाना था और मैं जो है मुर्देश्वर उतर गया, तो इस वजह से थोड़ा फेस करना पड़ा। बट लेकिन अच्छा है, मुर्देश्वर घूमूंगा, काफ़ी प्यारा प्यारी सिटी है, छोटा शहर है बट बहुत सुंदर शहर है मुर्देश्वर। यहाँ पे बीचेस भी है और मंदिर भी है और केव्स भी है, ठीक है। तो अभी ये घूमूंगा और आने वाली वीडियो में जो है ना आपको ये सब देखने को मिलेगा। और भाई लोग थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो यार, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। इतने प्यार से वीडियो बनाता हूँ मैं आपके लिए बजट ट्रैवलिंग के।